हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका और आज की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आ गई हूँ, वो है मेकअप लुक की वीडियो। ये मेकअप लुक आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो कि मैंने क्रिएट किया है। ये है इंडियन फेस्टिव मेकअप लुक या इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। आप किसी के अंदर भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मेकअप लुक है। इसके अंदर मैंने रेड कलर का सूट डाला है जो बहुत ही प्यारा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एल गुडनेस का रोज टोनर। इससे पहले मैंने मेरा फेस वॉश कर लिया है, उसके बाद अब मैं कर रही हूँ टोनिंग। टोनिंग के लिए मैंने एल गुडनेस का टोनर यूज़ किया है। टोनर यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे पोर्स को मिनिमाइज़ करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है और हमारे स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। अब मैंने यूज़ किया है गुड वाइब्स का वाटरमेलन जेल। मानसून सीजन चल रहा है बारिश का, तो इसलिए मैंने जेल यूज़ किया, क्रीम यूज़ नहीं की। बहुत ही अच्छा जेल है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का प्राइमर। डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अप्लाई करा है। अब मैं फिंगर्स की मदद से ही मैं इसको अच्छे से अपने फेस पे ब्लेंड करूँगी प्रॉपर तरीके से। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्रायलॉन की डर्मा बेस पैलेट। इसमें से मैंने ऑरेंज करेक्टर लिया है। आप कोई और ब्रांड का भी ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने अपने फेस के डार्कनेस को हाइड करने के लिए यूज़ किया है, डार्क सर्कल्स वगैरह पे, माउथ अराउंड के वहाँ पे और नोज अराउंड। इसको भी अच्छे से मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूंगी। जहाँ जहाँ पे मैंने यूज़ किया है वहाँ पर भी मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी। कोई भी पैच सा नहीं रहना चाहिए, अच्छे से ब्लेंड हो जाना चाहिए। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एनवाई बे का कंसीलर, जिसका शेड है कैरेमल प्रिटेजल 11। ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है एनवाई बे का। मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया है और इसके नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो पर्पल हॉल आएगी, उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये वाला कंसीलर दिखाया है। बहुत अच्छा कंसीलर है। अब मैं इसी कंसीलर को ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूंगी अच्छे से। जो भी मैंने करेक्टिंग करी थी उस करेक्टिंग के कलर को हाइड करने के लिए मैंने कंसीलर यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे 9 to 5 की सीसी क्रीम। ये मैंने पैक की ब्रश एप्लीकेटर से लगाया है। इसका शेड है, जो मेरा शेड है वो है 01 बेज। आप अपने शेड के हिसाब से ले सकते हैं। इसमें तीन शेड अवेलेबल होते हैं। बहुत ही अच्छी सीसी क्रीम है ये। मैंने इससे पहले भी मेकअप लुक क्रिएट किया है। अब मैंने ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर जो था वो मैंने अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे स्प्रे किया है और अपने ब्यूटी ब्लेंडर को अपने फेस पर डैब डैब कर रही हूँ, जिससे मेरा फेस बेस जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे सेटिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ, क्रायलॉन का ट्रांसलूसेंट सेटिंग पाउडर है ये। और अब मैं यहाँ पे लिया है मैंने एनवाई बे की कॉन्टोर स्टिक है। ये बहुत अच्छी कॉन्टोर स्टिक है ये। मैं इसको जहाँ जहाँ पे कॉन्टोरिंग करनी है वहाँ वहाँ पे करूँगी, नोज, चीक्स, जॉ लाइन और मेरे लिप्स भी और मेरे फोरहेड पे भी। अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी ब्रश की हेल्प से। ब्रश, ये भी ब्रश पैक का ही है, तो बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको ब्लेंड करूंगी। जॉ लाइन वाली जो कॉन्टोरिंग होती है वो हमेशा हम डाउनवर्ड्स की तरफ, नीचे की तरफ ब्लेंड करते हैं और जो चीक्स वाली होती है वो अपवर्ड्स, मतलब ऊपर की तरफ ब्लेंड करते हैं। यहाँ पर मैंने नोज कॉन्टोरिंग करने के लिए दूसरी ब्रश ली है। ये आरिया की ब्रश है, बहुत ही अच्छे सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं इसके भी। अच्छे से नोज़ की कॉन्टोरिंग करने के लिए मैं इसको नोज़ कॉन्टोर ब्लेंड करूंगी अच्छे से। पूरा पैच सा नहीं रहना चाहिए, अच्छे से एकदम ब्लेंड करेंगे। इसके बाद मैं अपनी कॉन्टोरिंग को शार्प करूंगी। मैंने क्रायलॉन का सेटिंग पाउडर से ही इसको शार्प करा है। इसके बाद मैं अपनी आईज़ के नीचे भी सेटिंग पाउडर लगाऊंगी, जिससे मेरा आई शेडो जितना भी गिरेगा वो इससे क्लीन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो पैलेट है, जो कि ये मैंने यहाँ पे मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। मेरे को आजकल ना बड़ी आर्च वाली आईब्रोज ना बड़ी अच्छी लगने लगी है, तो मैंने यहाँ पे मेकअप लुक में भी मेरी थोड़ी आर्च वाली आईब्रोज की तरह ही आईब्रोज को फिल करने की ट्राई किया है। मेरे को अच्छी लगती हैं आर्च वाली आईब्रोज, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ब्यूटी ग्लेज्ड की कलर स्टूडियो पैलेट। ये मैंने मंगाई थी, मेकअप एंड यू इंस्टाग्राम पेज है वहाँ से। बहुत अच्छी पैलेट है, बिगनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छी पैलेट है। इसमें सारे कलर अवेलेबल है, तो उसमें से मैंने यहाँ पे लिया है एक रेड ब्राउन सा शेड लिया है, जो मैं पूरी लिड पे भी अप्लाई करूँगी और मेरी क्रीज भी इसी से बिल्ड करूँगी। अच्छे से आई शेडो को ब्लेंड करेंगे हम, बिल्कुल भी पैच नहीं रहना चाहिए। अगर हमारी आई शेडो में पैच लगता है ना, तो आई शेडो ना इतना अच्छे से निखर के नहीं आता, तो इसलिए पूरा अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे हम। अब आप देख सकते हो कितने अच्छे से मैंने मेरी दोनों आईज पे इस आई शेडो को ब्लेंड कर लिया है। कितना सॉफ्ट सा कलर हो गया, पहले ब्राइट लग रहा था। ब्लेंडिंग करने से हमारे कलर बहुत सॉफ्ट और सटल से लगने लग जाते हैं, इसलिए ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करा कीजिए। अब मैंने उसी पैलेट में से गोल्डन शिमरी शेड लिया है, जो कि मैं अपने आई के इनर कॉर्नर में प्लेस कर रही हूँ। अच्छे से डैप डैप करके मैं उसको प्लेस कर रही हूँ, रगड़ना नहीं है, नहीं तो शिमर जो कलर होता है वो प्लेस नहीं होता। डैप डैप करके मैं उसको प्लेस कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से प्लेस हो गया है कलर मेरी आईलिड पे।
ये मैंने इनर कॉर्नर पे यूज़ किया गोल्डन कलर, क्योंकि मेरे सूट में गोल्डन भी कलर है इसलिए मैंने गोल्डन लिया है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने दोबारा से वही रेड ब्राउन वाला शेड लिया है, दोबारा से मैं अच्छे से ब्लेंड करूंगी जो भी मेरा कलर है। अब जितना भी एक्सेस जो पाउडर था वो मैं अब उसको हटा दूंगी ब्रश की हेल्प से, जो कि मेरा आई शेडो वगैरह था वो भी हट जाएगा। अब मैंने यहाँ पे यूज़ किया है NY बे का लाइनर यूज़ कर रही हूँ मैं, बहुत ही अच्छा लाइनर है। इसकी निब ना इतनी पतली है, इतनी अच्छी निब है इसकी, इससे आप कोई भी विंग ड्रॉ कर सकते हो इजीली। अगर आपको विंग ड्रॉ करना भी नहीं आता ना, तो इस वाले लाइनर से आप बहुत अच्छे से विंग ड्रॉ कर सकते हो। इसका शेड था ब्लैक पर्ल 1, इतना अच्छा लाइनर है ये। अब आप देख सकते हो मैंने विंग ड्रॉ कर लिया है। अब मैं अपनी लैशेस को कर्ल करूँगी। ये मैंने लोकल मार्केट से लैश कर्लर खरीदा था, वही ये यूज़ किया मैंने। अब मैंने यहाँ पे लिया है मेबलिन का हाइपर कर्ल्स वाला मस्कारा, बहुत अच्छा मस्कारा है, इससे आपकी लैशेस ना एकदम अच्छे से कर्ल्स हो जाती हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे ये मस्कारा भी। इसके बाद मैंने यूज़ किया है NY बे का ये काजल, ये था द बिग एप्पल ऑफ माई आई कोल वाला काजल। ये स्मज प्रूफ काजल है और डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड भी है, इतना अच्छा काजल है, बिल्कुल भी स्मज नहीं होता। और अगर मैंने अपनी लोअर लैश लाइन और अपर लैश लाइन दोनों पे लगाया है, मैं आईज़ को बंद करके उसमें से बीच में से लगा रही हूँ जैसे आप देख सकते हो, जिससे दोनों लैश लाइन्स पे एक साथ लग जाता है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लश, ब्लश मैंने लिया है इलीरी राहुडा का ब्रश, ब्लश यूज़ कर रही हूँ मैं, जिसमें से मैंने एक पिंक सा शेड चूज़ किया है, ज़्यादा डार्क नहीं लगाएंगे, हल्का सा लाइट ही लगाया मैंने। उसके बाद मैंने ये मैट लुक का हाइलाइटर यूज़ किया है, मैंने हाइलाइटर लगा लिया मेरे हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे, चीक्स पे लगाया है, नोज पे लगा रही ब्रिज ऑफ द नोज, लिप्स पे लगाऊंगी क्यूपिड बो पे, और हमारे चिन पे और मेरे फोरहेड पे, जिससे हमारे हाइलाइटिंग पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे से हाइलाइट होके दिखें। उसके बाद मैं हाइलाइटर मेरी ब्रो बोन पे लगाऊंगी, आई मेकअप जब भी अच्छा लगता है जब हमारी ब्रो बोन पे हाइलाइटर हो और हमारे इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर हो, तो ब्रो बोन और इनर कॉर्नर्स पे हाइलाइटर लगाऊंगी मैं अच्छे से, आप देख सकते हो। ये मैंने हाइलाइटर यूज़ किया था वही वाला जो मैंने अपने चीक्स वगैरह पे यूज़ किया मैट लुक वाला, अच्छे से ब्लेंडेड वे में लगाऊंगी, आप देख सकते हो मैं अपने फिंगर से भी अच्छे से उसको ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं अपने इनर कॉर्नर्स में लगाऊंगी, दोनों इनर आईज़ के इनर कॉर्नर्स में लगाया मैंने हाइलाइटर, जिससे मेरा आई लुक अच्छा सा लगे। उसके बाद मैंने ये मैक के लिपस्टिक लिया है जिसका कलर है मैट डीवा, बहुत अच्छी लिपस्टिक है, मैक की एक बार इन्वेस्ट करना है तो इस लिपस्टिक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक की लिपस्टिक सबको पता है कितनी अच्छी होती है, मैक इतना अच्छा ब्रांड है। अब इसके ऊपर मैं एक शेड और लगाऊंगी, वो है वो भी मैक का लिक्विड लिपस्टिक का शेड है न्यूड में से फेडेड, ये भी बहुत अच्छा शेड है। मैंने इन दोनों लिपस्टिक को मिक्स करके यूज़ किया है, बहुत प्यारा शेड बना है दोनों लिपस्टिक का, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने मेरा हेयर स्टाइल डन कर लिया है, ज्वेलरी पहन लिया है, छोटी सी ब्लैक कलर की बिंदी लगा ली है। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर, जो कि मैंने अब मेरी आने वाली पर्पल हॉल वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है। दिस इज़ माय होल लुक, आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लुक क्रिएट हुआ है। मैंने वीडियो में जितने ही प्रोडक्ट यूज़ करे उन सभी का परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।